अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्री सेटलमेंट स्टेटस के हवाले से एक अपडेट देने वाला हूं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, काफ़ी अफराद ने प्री सेटलमेंट स्टेटस के हवाले से जून, जुलाई, अक्टूबर वगैरह में अप्लाई तो किया हुआ था, लेकिन कुछ को तो लेटर ओके आ गया है लेकिन अभी कुछ को आना बाकी हैं, तो उनको अभी थोड़ा वेट करना होगा। तो लेटेस्ट अपडेट इसी हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है यूके का एक इलाका है ब्रेडफोर्ड, सबसे पहले वहाँ से उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, और उसकी तादाद के बारे में मैं आपको ख़बर देता हूं। वो ये है कि यूरोप से जिन लोगों ने प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया उनमें 23,100 के करीब लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और ये ब्रिटिश फीचर ने ये बताया है। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले जो इस एरिया में लोगों ने अप्लाई किया है शानदार तरीके के साथ, जो फुल तादाद है वो है 23,700, और इसमें रिफ्यूज जो रेशो है वो बहुत ही कम है, यानी कि 0.4% सिर्फ वो जो हैं जिनको उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, जो कि ना होने के बराबर हैं। और ये जो रिफ्यूज़ हुए हैं इनकी बहुत ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से इनको रिफ्यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड, ये सिर्फ इस एरिया की तादाद है जो कि रिफ्यूज़ किए गए हैं अभी, जिन जबकि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में लोगों ने अप्लाई किया था, जब उसकी तादाद निकल कर आएगी तो ये रेशो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, इसमें यह है कि जिनके केस को रिजेक्ट किया है वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई किया था, और जहाँ पर भी कोई कमी हुई है उसको वो पूरा करने से दोबारा से इसके लिए अपील कर सकते हैं। और अगर आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हैं और कोई भी किसी भी की तरह का कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, तो ये आपका केस पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब फिंगर होते हैं तब सब कुछ निकल कर सामने वाजिया हो जाता है। तो फ्रेंड, ये थी एक ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और अहम थी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो ज़रूर हमें कमेंट करके भी पूछ सकता है, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।